हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प से माई एसक्यूएल डेटाबेस से हम डेटा को हमारे जावा वेब एप्लीकेशन सर्वलेट पेज पे शो कर सकते हैं। ओके, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने यूजर आईडी और पासवर्ड को एज अ लॉगिन करके इंसर्ट क्वेरी के थ्रू माई एसक्यूएल टेबल में इंसर्ट कराया था। ओके, सो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम उसी टेबल से, जिस टेबल में हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट कराया था, उसी टेबल से हम डेटाबेस की हेल्प से जावा वेब एप्लीकेशन में सर्वलेट पेज पर उस डेटा को हम शो कराएंगे। ओके, हम ये काम माई एसक्यूएल क्वायरी, जो सिलेक्ट क्वायरी होती है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम से कर सकते हैं, लेकिन एज अ जावा वेब डेवलपर हम इसको जावा कोड के थ्रू करेंगे। माई एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट करेंगे और फिर शो क्वायरी लगाकर सर्वलेट पेज पे, यानी कि हमारी वेब एप्लीकेशन पे हम उस डेटा को शो कराएंगे एज अ टेबल फॉर्म में। हम हमारे इस कोड को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक का कोड कितना क्रिएट किया है। ओके, एंड सबमिट क्वायरी। ओके, सो डेटा इंसर्टेड, और हम हमारे डेटाबेस में इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम था यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, देखिए डेटा 2123 जो है वो आ चुका है और पासवर्ड भी अक्षय आ चुका है। ओके, अब हम जो ये टेबल दिख रही है, इसके इस डेटा को अब हम हमारे सर्वलेट पेज पर शो करेंगे जावा कोड के थ्रू। सो अब हम इस कोड को प्रिपेयर करते हैं डेटा को शो करने के लिए इस इनपुट। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारा एक नया सर्वलेट पेज डिजाइन करेंगे जिसमें हम कोड करेंगे हमारे शो डेटा क्वेरी के लिए। ओके, सो हम यहाँ पर एक न्यू सर्वलेट डिजाइन करेंगे, न्यू सर्वलेट, और उसका हम नाम रखेंगे शो डेटा, शो डेटा, और प्रोजेक्ट का नेम है हमारा कार, और डिफॉल्ट पैकेज यानी कि अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ओके, अब हम हमारा शो डेटा सर्वलेट पे हम क्वायरी लिखेंगे, सिलेक्ट क्वायरी लिखेंगे, जो कि हमको डेटाबेस से वैल्यूज को फेच करवाएगी। सो हम लिखेंगे क्लास डॉट फोर नेम, एंड यहाँ पर हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे कॉम डॉट, हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, सो इट्स माई एसक्यूएल डॉट JDBC कनेक्शन है, इसलिए JDBC JDBC.driver। ओके, सो यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट किया है। ओके, सो इट्स com.mysql.jdbc.drivers। ओके, ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको एक स्ट्रिंग कॉलम में लिखेंगे, इट्स स्ट्रिंग। ओके, नाउ अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, इसलिए हम कनेक्शन, हम वेरिएबल कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग 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 दैट्स वन। ओके, तो गेट कनेक्शन, यहां पर अब हम यूज करेंगे हमारे URL JDBC के, लर्न माई एसक्यूएल। लर्न माई एसक्यूएल लर्न डबल स्लैश लोकल होस्ट। ओके, इट्स लोकल होस्ट लर्न 6606। ओके, इट्स डबल वेट, यस, लोकल होस्ट 6606 स्लैश। ओके, एंड डेटाबेस का नेम, अब हमारे डेटाबेस का क्या नेम है? ओके, यहाँ पर डेटाबेस का नेम आएगा, सो मैं अपने डेटाबेस का नेम है कार डी बी। ओके, कार डेटाबेस, कार डी बी,
सो माई एस क्यूएल पास जो यूज़र नेम होता है रूट, और माई एस क्यूएल का पासवर्ड भी है रूट। ओके सो ये हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। सो अब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमारी सिलेक्ट क्वारी लिखेंगे। सो दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इट्स प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड देन अब हम हमारी क्वारी लिखेंगे इसमें। सो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने की क्वारी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार सिलेक्ट करने से डेटाबेस में टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारे टेबल का नेम, किस टेबल से करना है हमको, हमारे टेबल का नेम है यूज़र रजिस्ट्रेशन। ओके हम यूज़र रजिस्ट्रेशन से सारा डेटा फेच कर रहे हैं अभी। ओके सो इट्स सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन। ओके नाउ अब हमको चाहिए रिजल्ट सेट्स। ओके सो हम यहाँ पर रिजल्ट सेट कर बनाएंगे रिजल्ट। RS इक्वल टू ओके एंड पी एस डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट को अब हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके दैट इज एग्जीक्यूट क्वेरी अब हमने रिजल्ट सेट बना लिया है अब हमारा। ओके सो अब हम रिजल्ट सेट में स्ट्रिंग में हमारे डेटा को एज अ रिजल्ट सेट से सर्वलेट पे फेच करा सकते हैं। ओके यानी कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इट्स स्ट्रिंग और वेरिएबल का नेम ले लेते हैं यूज़र आईडी। ओके सो यूज़र आईडी इक्वल टू रिजल्ट सेट की हेल्प से आर एस डॉट ओके हम मेथड लगाएंगे गेट स्ट्रिंग। ओके आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड से ओके अब हम सेम को फॉर लिखेंगे पासवर्ड के लिए। हमारे पास दो ही कॉलम है उन दो ही कॉलम को फेस करना है तो हम एज अ पासवर्ड की सारी डेटा लिखेंगे पास डॉट आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड्स के थ्रू। सो ये हमारा फर्स्ट पे है और ये हमारा सेकंड पर है। सो फ्रेंड्स हमने अभी एक टेबल क्रिएट कर ली है जिसमें हमने दो कॉलम रखे हैं यूज़र आई डी एंड पासवर्ड। ओके और हमने यूज़र आईडी पासवर्ड को उसके अंदर वेरिएबल को लिख दिया है यूज़र आईडी और पासवर्ड को लिख दिया है पास। ओके सो हम इसके अंदर टेबल में डेटा को शो करेंगे। ओके सो हम एक एरर सॉल्व कर लेते हैं अभी इंपोर्ट एसक्यूएल एंड देन थ्रो कैश एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं इसमें हम एड इम्पोर्ट और जावा एसक्यूएल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब हम हमारे डेटा सर्वलेट पे रीडायरेक्ट करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं फॉर्म सेंटर। ओके अब यहां पर एक इनपुट सिंगल इनपुट बटन ले लेते हैं इससे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके टाइप इक्वल टू सबमिट एज दिस एंड नेम इक्वल टू शो डेटा। ओके और इसकी वैल्यू है शो डेटा। ओके एंड नाउ इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नाउ अब हम फॉर्म का एक्शन जो है वो हमारा सर्वलेट का नेम रखते हैं। ओके तो हमारा सर्वलेट का नेम है शो डेटा। ओके यानी कि जो हमारा मेथड जिस मेथड से जाएगा हमारा फॉर्म वो होगी पोस्ट मेथड। ओके इट्स पोस्ट मेथड। सो अब हमारे कोड को हम रन करके चेक करते हैं। ओके हम शो डेटा वाले पे क्लिक करते हैं। सो अभी कोई भी डेटा हमको शो नहीं हो रहा है। ओके सो हम चेक करते हैं हमारी एरर को। हम एरर को चेक करते हैं। यस हमने डेटा में हमने टेबल को क्रिएट करी डेटा को फेच किया
फेच किया है, ओके। बट हमने कहीं पर भी अभी ये नहीं बताया कि हमको किस टाइप का डेटा चाहिए, ओके। सो हमको एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, रिजल्ट सेट क्वेरी लगाकर गेट स्ट्रिंग से हमने डेटाबेस से टेबल को फेच किया है। कैसे हम कोड को रन करेंगे, ओके। सो हम अभी पहले हमारे प्रीवियस कोड को भी चेक कर लेते कि वो अभी भी रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हम हमारे अभी यूजर आईडी टुडे डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं संडे, ओके। और सबमिट क्वेरी, डेटा इंसर्टेड। अब हम चेक करते हैं यहीं पर कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। सो हम यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं, दैट्स शो डेटा। शो डेटा फॉर्म से हम चेक कर लेंगे। शो डेटा से हमारे पास टेबल आ चुकी है और हमारे पास आ चुका है डेटा टुडे संडे, ओके। अब हमारे माई एसक्यूएल में भी चेक कर लीजिए कि हमारा डेटा माई एसक्यूएल तक पहुँचा है या पहुँचा। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर क्वारी लगा के हमने चेक किया टूडे संडे, मतलब हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका था, ओके। और हमने शो क्वारी लगाकर उस डेटा को हमने फेच भी कर लिया है डेटाबेस से, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।